वर्नियर स्केल या वर्नियर कैलिपर एक तरह का थ्री वे मेजरिंग प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट है। इसको थ्री वे बोलने का मतलब है इसके ज़रिए हम आउटर मेजरमेंट, इनर मेजरमेंट और डेप्थ मेजरमेंट यानी गहराई भी नाप सकते हैं। साथ ही इसके ज़रिए थ्रेड डाया, क्रेस्ट टू क्रेस्ट और रूट टू रूट भी नापा जा सकता है। और प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट इसलिए है क्योंकि यह स्टेनलेस स्टील या क्रोमियम स्टील से बना हुआ होता है जो इसे जंग रोधक और हीट रेजिस्टेंस जैसी प्रॉपर्टी प्रदान करता है। और किसी भी डायमेंशन को एक्यूरेटली 0.02 mm या 0.001 इंच के एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लें ताकि सबसे पहले की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, इसके लिस्ट काउंट और रीडिंग के बारे में जानने से पहले इसके पार्ट्स के बारे में थोड़ा हल्का चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि इस इमेज में देख रहे हैं, ये दोनों फिक्स जॉ हैं। ये नीचे वाला जॉ आउटर मेजरमेंट और ऊपर वाला इनर मेजरमेंट के लिए होता है और यह दोनों ही मेन स्केल यानी बीम के इंटीग्रेटेड पार्ट्स हैं। और यह इसका मेन स्केल या बीम है। इसी के ऊपर मेन स्केल का एनग्रेविंग यानी मार्किंग इंच और एमएम में बना हुआ है और इसी बीम के ऊपर ही वर्नियर स्केल स्लाइड करता है। इस पार्ट्स को वर्नियर हेड कहा जाता है। इसी के ऊपर नीचे वर्नियर स्केल का ग्रेजुएशन इंच और एमएम में एनग्रेविंग या मार्किंग किया हुआ रहता है और इन दोनों को मूवेबल जॉ कहा जाता है। और यह दोनों वर्नियर स्लाइड से फिक्स्ड हैं। अपर मूवेबल जॉ और अपर फिक्स्ड जॉ दोनों मिलकर इनर मेजरमेंट करते हैं और इसी तरह लोअर मूवेबल जॉ और लोअर फिक्स्ड जॉ मिलकर आउटर डायमेंशन को मेजरमेंट करते हैं और इसे कहते हैं लॉकिंग नट, जो लिया गया मेजरमेंट को लॉक कर देती है ताकि वर्नियर स्लाइड आगे पीछे ना हो। और इस पार्ट्स को डेप्थ बार कहा जाता है। इसको गहराई नापने के लिए यूज किया जाता है और यह वर्नियर स्लाइड के साथ इंटीग्रेटेड है और इसे फाइन एडजस्टिंग हेड या स्क्रू कहा जाता है। दोस्तों, इस स्क्रू का काम होता है जो मेजरमेंट लिया गया है, अगर उस मेजरमेंट में मेन स्केल का कोई भी ग्रेजुएटेड लाइन वर्नियर स्केल के किसी भी ग्रेजुएटेड लाइन से कॉन्साइड या मेल नहीं खाता है तो तभी इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने से दोनों में मेल आ जाता है। अब बहुत ही ज़रूरी बात यह है कि चारों जो के अग्रभागों को नाइफ शेप में थोड़ा चम्फरिंग किया गया है ताकि दो थ्रेड टीथ के बीच में नेरो ग्रूव के अंदर तक इंसर्ट करके थ्रेड का रूट टू रूट का डाया मेजरमेंट किया जा सके। अब इसके अहम विषय पर आते हैं। दोस्तों, वर्नियर कैलिपर का एक्यूरेसी यानी लिस्ट काउंट 0.02 mm मेट्रिक में और 0.001 इंच ब्रिटिश में होता है। लिस्ट काउंट मतलब यह सबसे न्यूनतम नाप है जो इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए लिया जा सकता है। यह ऐसे होता है दोस्तों, इसके मेन स्केल से 49 पार्ट को वर्नियर स्केल में 50 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। किसी वर्नियर कैलिपर में 24 पार्ट को 25 पार्ट में या 9 पार्ट को 10 पार्ट में भी डिवाइड करते देखा गया है। फिलहाल हम 49 पार्ट को 50 पार्ट में डिवाइड करके मेट्रिक सिस्टम में लिस्ट काउंट निकालेंगे। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए, 49/50 इज इक्वल टू 0.98। तो यहाँ वर्नियर स्केल का एक डिवीजन का वैल्यू 0.98 mm आया और मेन स्केल का एक डिवीजन का वैल्यू 1 mm है। तो 1 MSD माइनस 1 VST के हिसाब से मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ 1 mm माइनस 0.98 mm इज इक्वल टू 0.02 mm और इसी को ही वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कहा जाता है। अब सवाल आता है कि वर्नियर कैलिपर का रीडिंग कैसे करें। दोस्तों, जैसे इस चित्र में एक मेजरमेंट दिया गया है, इसका हमें रीडिंग निकालना है।
दोस्तों रीडिंग निकालने के लिए असली वर्नियर कैलिपर का यूज इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका ग्रेजुएशन बहुत ही छोटा होता है और कैमरे के फ्लैश लाइट के वजह से यह रिफ्लेक्ट करने लगता है, इसलिए मैंने इमेज के ज़रिए इसे क्लारिफाई करना उचित समझा। यह एक इमेज है जो यह बता रहा है कि किसी वस्तु को नापा गया है। दोस्तों कभी भी किसी वस्तु का आप नाप लेने के बाद उसको लॉकिंग नट से लॉक करना ना भूलें, फिर उसे धीरे से विड्रॉ करके रीडिंग निकालें। दोस्तों इस इमेज को देखिए, इसमें वर्नियर स्लाइड का जीरो मार्किंग वाला लाइन मेन स्केल का कितना डिवीजन को क्रॉस किया हुआ है। जैसे इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये वाला जीरो मेन स्केल के 31वां लाइन को क्रॉस किया हुआ है। तो पहले नोट कर लें, स्टेप वन में मेन स्केल 31 डिवीजन 31 गुना 1 mm इज इक्वल टू 31.00 mm। स्टेप टू में मेन स्केल का कोई भी सब डिवीज़न को जीरो लाइन कॉन्साइड या क्रॉस नहीं किया है, तो जीरो सब डिवीज़न इज इक्वल टू 0 × 0.5 mm इज इक्वल टू 0.00 mm। मेन स्केल में हर mm को आधे mm में यानी 0.5 mm में डिवाइडेड किया गया है, इसी को सब डिवीज़न बोला जाता है। और स्टेप थ्री में वर्नियर स्केल का 16वां डिवीज़न वाला लाइन मेन स्केल के एक लाइन से कॉन्साइड कर रहा है, यानी एक लाइन जैसा दिख रहा है। तो 16 × 0.02 mm इज इक्वल टू 0.32 mm। दोस्तों 0.02 mm इसलिए है क्योंकि वर्नियर स्केल का ये एक डिवीज़न का वैल्यू है। अब तीनों को ऐड कर लेते हैं तो रीडिंग हुआ 31.32 mm। तो इसी तरह एक दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं। जैसे इस चित्र में वर्नियर स्लाइड का जीरो लाइन मेन स्केल के 18वां लाइन को क्रॉस किया हुआ है। तो स्टेप वन में मेन स्केल का 18वां डिवीज़न गुना 1 mm इज इक्वल टू 18.00 mm और स्टेप टू में मेन स्केल का एक सब डिवीज़न गुना 0.5 mm इज इक्वल टू 0.50 mm और फिर आखिरी स्टेप में वर्नियर स्केल का 5वां डिवीज़न यानी 5वां वर्नियर डिवीज़न गुना 0.02 mm इज इक्वल टू 0.10 mm। अंत में तीनों वैल्यू को ऐड कर दें तो 18.60 mm आ गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो लेके आऊं, और अगर इसमें ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइबर बनते हैं तो मैं अगले वीडियो में इसके एरर और इंच सिस्टम के बारे में ज़रूर बताऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।